हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हनी बी मुंशियारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने चार कॉलोनियां पकड़ी है, ये देख सकते हैं। इसमें अभी इसे शिफ्ट किया जाएगा, काफी बड़ा स्वार्म। इसे हम धीरे से कपड़े से ढक देंगे क्योंकि एकदम से उड़े ना, और इसे काफ़ी इजी तरीके से इसे एक बर्तन में रख के आराम से इसे अंदर रख के इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये भागे ना। अब देख सकते हैं किस तरह मधुमक्खियां बॉक्स में जाने लग गई है। अब ये स्वार्म धीरे धीरे बॉक्स में जाने लग गई है। बहुत ही सिंपल तरीका मधुमक्खियों को बॉक्स के अंदर शिफ्ट करने का। बहुत कम समय में मधुमक्खियां बॉक्स के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी और इसे इंस्टॉल कर देंगे। देख सकते हैं इसमें किस तरह मधुमक्खियां अब बैठने लग गई है। कुछ दिन पहले इस बॉक्स में एक स्वाम डाल चुका हूँ पर वो स्वाम बैठी नहीं, भाग गई थी। देख सकते हैं उन्होंने किस तरह तीन छोटे छोटे छत्ते बनाने के बाद भी भाग गई। अब काफ़ी कम मधुमक्खियाँ बची है बाहर। अब ये सभी धीरे धीरे बॉक्स में आ जाएंगी क्योंकि रानी आ चुकी है। यह आज का दूसरी कॉलोनी जो काफ़ी हाइट पे बैठी हुई है। ये पहिया के पेड़ में काफ़ी हाइट में बैठी हुई है। अब इसे हम नेट में कैप्चर कर लेंगे, बाद में इसे शिफ्ट कर देंगे लॉग में क्योंकि बॉक्स यहाँ लाना पॉसिबल नहीं है, तो इसे नेट में कैप्चर कर लेंगे। देख सकते हैं किस तरह नेट में मधुमक्खी डाल चुका हूँ। काफ़ी हाइट में होने की वजह से वीडियो नहीं बना सका। ये देख सकते हैं मधुमक्खियां अपने आप मार्च होती हुई। आज का ये तीसरी कॉलोनी। आज तीन स्वार्म, दो स्वार्म पहले डाल चुका हूँ, ये थर्ड स्वार्म है, देख सकते हैं। दोस्तों ये तीसरी कॉलोनी लॉग आई में शिफ्ट कर चुका हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।
और वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।